Good afternoon, students. How are you? I hope all are fine and safe at your home. Welcome in our video, students. Today, in this video, we will continue our chapter number 6, that is feeding habits of animals. In previous days, we have discussed part D and part E, long question answer of chapter 6. And now, today, we will discuss some extra questions of chapter 6. Now we are going to start. Question 1. Name 3 domestic animals. Name 3 domestic animals. Domestic animals means, beta, wo animals jinhen hum apni need ke liye, zarurat ke liye, apne ghar par rakhte hain, palte hain, unki care karte hain. Okay? Gharelu jinhen hum bolte hain. Domestic animals. Answer is cow, hen, buffalo. Cow, hen, buffalo. These are domestic animals. जैसे cow, cow को कुछ human beings cow को अपने घर पर रखते हैं, उसकी care करते हैं. Because cow से हमें क्या मिलता है? Milk. Okay? Buffalo से भी milk मिलता है. इसलिए buffalo को भी कुछ लोग अपने घर पर रखते हैं. Okay? Hen. कुछ person अपने घर पर हैन भी रखते हैं, ओके, उसको भी पालते हैं. तो काउ, हैन, बफेलो, दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स. क्वेश्चन 2, नेम 2 एनिमल्स विच स्वेलो देयर फूड. 2 एनिमल्स के नेम बताने हैं जो अपने फूड को स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं. स्वेलो मींस निगलना. आंसर इज स्नेक, फ्रॉग, लीजर्ड. स्नेक, फ्रॉग, लीजर्ड. All these animals swallow their food. ये तीनों animals अपने food को swallow करते हैं, निगल जाते हैं. Okay? अपनी sticky tongue से अपने food को swallow करते हैं. जो food इन्होंने खाना होता है, जिस insects को या animals को इन्होंने खाना होता है, उसे ये अपनी tongue से, sticky tongue से अपने mouth में लेके जाते हैं और फिर उसे swallow करते हैं, निगल जाते हैं बिना चबाए. ठीक है? Question 3. Which body part help elephant in sucking water? Elephant ka kaun sa body part usko water suck karne mein help karta hai? Means elephant water kaise drink karta hai? Kis body part ka use karke wo water drink karta hai? Answer is trunk. Trunk. Trunk means sound. Elephant ki jo sound hoti hai wo उसको वाटर को ड्रिंक करने में, वाटर को सक करने में हेल्प करती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4. व्हेन एनिमल्स गेट सिक वी शुड टेक देम टू. अगर एनिमल्स बीमार हो जाएं, हमारे घर पे अगर कोई एनिमल है या किसी एनिमल्स को चोट लग जाए, तो उसको कहां लेकर जाना चाहिए? आंसर इज वेटरिनरी डॉक्टर. उसे वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. वेटरिनरी डॉक्टर मींस वो डॉक्टर जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं. ओके, एनिमल्स के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? वेटरिनरी डॉक्टर. तो अगर कोई एनिमल बीमार हो जाए, किसी को चोट लग जाए, तो उसको वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. क्वेश्चन 5. गिव द नेम ऑफ वॉर्म लाइक इंसेक्ट व्हिच सक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स. उस इंसेक्ट का नेम बताइए, वॉर्म लाइक इंसेक्ट का नेम बताइए जो एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करता है. ओके, आंसर इज लीच. लीच एक ऐसा वॉर्म लाइक इंसेक्ट है, कीड़ा, ऐसा कीड़ा है जो ह्यूमन की बॉडी से चिपक जाता है. ओके, बहुत इतने अच्छे तरीके से चिपक जाता है कि उसकी स्किन से उसका सारा ब्लड सक कर लेता है. ओके, लुक एट दिस इन पिक्चर. In this picture, जो लीच है वो बॉडी से, एनिमल्स की बॉडी से अच्छे से चिपका हुआ है और फिर ये क्या करता है, उस बॉडी से ब्लड को सक कर लेता है. ओके, दिस इज़ वेरी हार्मफुल इंसेक्ट. स्टूडेंट्स, विद दिस ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. नाउ वी विल रिवाइज अगेन. क्वेश्चन 1, नेम 3 डोमेस्टिक एनिमल्स. 3 डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम बताइए. आंसर काउ, हैन, बफेलो. ऑल दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स. क्वेश्चन 2, नेम 2 एनिमल्स विच स्वेलो देयर फूड.
कोई टू एनिमल्स जो अपने फूड को स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं. आंसर इज स्नेक, फ्रॉग एंड लीजर्ड. क्वेश्चन थ्री, विच बॉडी पार्ट हेल्प एलिफेंट इन सकिंग वाटर. एलिफेंट का कौन सा बॉडी पार्ट उसको वाटर को ड्रिंक करने में, सक करने में हेल्प करता है. आंसर इज ट्रंक, सूंड. एलिफेंट की जो ट्रंक होती है, एलिफेंट की सूंड उसको वाटर को सक करने में हेल्प करती है. व्हेन एनिमल गेट वी शुड टेक देम टू. अगर कोई एनिमल बीमार हो जाए तो उसे कहाँ लेकर जाना चाहिए. आंसर वेटरिनरी डॉक्टर, उसे वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए. वेटरिनरी डॉक्टर मीन्स जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं. गिव द नेम ऑफ वॉर्म लाइक इंसेक्ट विच सक ब्लड फ्रॉम एनिमल्स. उस इंसेक्ट का नेम बताइए जो एनिमल्स की बॉडी से ब्लड को सक करता है, ब्लड को चूस लेता है. डैट इज लीच. लीच इज ए वॉर्म लाइक इंसेक्ट जो एनिमल की बॉडी से ब्लड को सक करता है. ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस ऑल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. सो टुडे यू हैव टू नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चन इन योर फेयर नोटबुक ऑफ साइंस. ओके, थैंक यू.